नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि लॉकडाउन में जो है, ये लॉकडाउन जो हुआ इतना आनंद फानंद में जो है सरकार ने कर दिया कि जो लोग जहां के थे वहीं रुक गए, वहीं फंस गए, वो अपने ना घर जा सकते हैं, ना अपने शहर जा सकते हैं, ना अपने गांव जा सकते हैं। तो ये काफी दिनों से, आज तकरीबन 40 दिनों से जो है जहां पर जो व्यक्ति था वहीं फंसा हुआ है। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अभी एक रूल्स निकाला है, एक जीआर पास किया है कि जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, ऐसे लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अपना घर जाना चाहते हैं तो जहां पे रह रहे हैं, जहां फंसे हुए हैं, वहां के कलेक्टर से जो है, वहां जहां के लोग हैं वो लोग रहने वाले, वहां के कलेक्टर से उनके घर वाले अपील करके और उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे जो है भेजा जाए, और वो यहाँ के कलेक्टर के जहां फंसे हुए, यहाँ के कलेक्टर को जब दिखाएंगे और यहाँ के पुलिस स्टेशन को दिखाएंगे तो उनको अपने घर और अपने वतन जाने के लिए मिलेगा। और अलग अलग सुविधाओं से जो है एक सोशल डिस्टेंस जो है उस तरीके से एक बर्ताव करके, जैसे 40 सीटर रहती है, बस रहती है बड़ी, तो उसमें 30 आदमी सिर्फ जा सकते हैं क्योंकि जो है दूरियां बना रखना बहुत जरूरी है। और यहां से जाने के बाद जब अपने जगह पे पहुंचेंगे तो वहां उनकी जांच होगी और उसके बाद उनको जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद उनको घर उनके छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से आप जो लोग भी जहां भी फंसे हैं, तो ये मेरी न्यूज के जरिए से अपील है, अपने घर वालों को कहिए कि वहां के कलेक्टर से जाके मिलके नाम पता एड्रेस और उनका आईडी वहां पर दे, और वहां के कलेक्टर जो है यहाँ मेल भेजेंगे और यहाँ पर जो है अपने व्हाट्सएप पे मंगा के और उनको दिखा के और इस तरीके से अपने घर जा सकते हैं। इस तरीके से एक जीआर पास हुआ है। आइए जो पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारे आला अधिकारी, सब लोगों ने क्या कहा है। और आज पूरे मुमरा कौसा के जो नगर सेवक थे सबको एक डायमंड हॉल के अंदर एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग में क्या कहा है, उन्होंने क्या संदेश दिया, आइए सुनिए। मैं पूरी हकीकत आपको रूबरू करवाता हूँ उनकी जबानी। तो तुम्हाला माहिती आहे व्यवस्थित भरून घ्यायचं आहे प्रत्येकाकडनं, मग मागे प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअल द्यायचे आहे, तुम्हाला सांगितलं आधार कार्ड और उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरी है, उतना देना है। एपीआई शेलके साहब पुलिस स्टेशन के नोडल ऑफिसर है, मैं उनका नंबर आपको शेयर करता हूँ, आप ले लीजिए। 8850 320 334, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8850 320 334। नाम शिल्के साहब, शहाजी शिल्के, ठीक है साहब, आईएलपी हाउस जो है। मैंने सर एक विषय सूचना होती है, अच्छा, डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी बॉय बसेस किंवा ट्रेन्स अवेलेबल होती आणि आपल्याला आपले जे बंधू भगिनी अडकलेले त्यांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवता येईल। जो यहाँ अटके पड़े है उनका डेटा जितने जल्दी पुलिस स्टेशन में आ सकता है उतना जल्दी आप दे दीजिए, ताकि हम लोग हमारे भाई बहनों को उनके डेस्टिनेशन पे जल्द से जल्द भेज सकें। सर अगर किसी को लेके आना होगा सेम प्रोसीजर है। अच्छा अभी मैडम यहाँ पे कुछ बोला था, पूछा था, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे मीटिंग में था, मैंने आपके सबको बोला था कि घर नगर सेवक ने उनके वॉलंटियर्स की लिस्ट मुझे दीजिए, हाँ उनका सब डिटेल मुझे दीजिए, मैं उनको पास इशू करूँगा। लेकिन आज पाँच दिन हो गया, नगर सेवक ने मुझे या मेरे पुलिस स्टेशन में पास इशू किया नहीं है, हाँ दिया नहीं है, तो आना तो पड़ेगा, हम घर करते जाके तो नगर सेवक को बोले नगर सेवक सर ये जो मीटिंग आज रखी गई थी नगर सेवकों की, वो किस सिलसिले में रखी गई थी? ये जो मीटिंग रखी गई थी नगर सेवकों की, प्रतिष्ठित व्यक्ति और सोशल वर्कर की, वो जो लेबर लोग अपने राज्य से बाहर अपने गांव में जाना चाहते हैं, जो अटके हुए उनको सुविधा प्राप्त करने के लिए, उनके लिए जो सुविधा राज्य सरकार ने बताई है
वो सुविधा बताने के लिए मैंने आज की मीटिंग रखी थी। सर जैसे अभी इन लोगों का कोविड टेस्ट होगा या नहीं होगा? सबको जो जो वर्कर जाना चाहते हैं उनका मेडिकल टेस्ट नॉर्मल मेडिकल जो जनरल प्रैक्टिशनर से कराते हैं वो करने के बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा। अच्छा सर, 50 की सीट होगी तो उसमें कितने लोग बैठ के जाएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग में जितना अपने को सरकार अलाउ करेगी, अगर 30 की है तो कम से कम तो सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बाद जितनी सीट रहेगी मुझे मेरे हिसाब से 15 जन जा सकते हैं 30 की कैपेसिटी में। सर जैसे आपको फॉर्म भर के दिया जाएगा तो फॉर्म भरने के कितने दिन के बाद वो अपने घर जा सकते हैं? जैसे फॉर्म देने के बाद में हम हमारे वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे, वरिष्ठ कार्यालय वहाँ पर जाके जहाँ जो जो जिले में जो जो राज्य में जाने वाले उनका शॉर्ट आउट करके वो हमें बता देंगे भाई ये जिले के लिए ये ट्रेन भेजने वाले ये बस भेजने वाले। तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन है हम ग्रुप लीडर को या स्थानिक नगर से या सोशल वर्कर को हम बता देंगे। जाने वाले आदमी को वहाँ होम क्वारंटाइन किया जाएगा, वहाँ पे उनकी वो चेकिंग होगी, वहाँ का प्रशासन उसकी ये ले लेगी जो कुछ लेने का है वहाँ की प्रशासन उसका मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम तो ऐसा करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से आपको कि जो वर्कर लोग जो मजदूर लोग अपने गांव में जाना चाहते हैं वो सब ये प्रोसीजर फॉलो करें और जो जाने का उसकी हम सुविधा प्राप्त करके दे देंगे। सेंटर हर नगर सेवक के ऑफिस को सेंटर बनाया गया फॉर्म पे? नहीं, नगर सेवक ऐसे नहीं है, नगर सेवक प्रतिष्ठित व्यक्ति या सोशल वर्कर जो जिनको हर एक को एक को अपना ग्रुप बनाने का है वो ग्रुप के जिले का ग्रुप बनाने के और वो ग्रुप के जरिए वो जिनको जाने के। धन्यवाद। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।